आप एक बार वाइजैक श्योर विजिट करिए और आप एक बार बस हमारी सिटी के सनसेट्स देखिए, लाइक द अरे बेस्ट सनसेट्स इन द कंट्री। क्या सर हमारे बात, कैंपस से ही देख लीजिए बस। अरे ये हुई ना बात, ये दिस मोटिवेट्स मी। बहुत से लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा कि सर आई एम वाईजैक ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे तीन पात्र हैं, एक बंदा ग्रेजुएट हो चुका है। हाय अंकित, वेलकम ऑन बोर्ड। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, तेरा क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। और ये अपनी स्टूडेंट भी थी, इसने कैट किंग वर्बल के लिए आई थी ना हर्षिता हमारे पास, तू क्या बात है। हर्षिता इज अ करंट स्टूडेंट एट आई एम वाईजैक, और तनेजा साहब भी है। तनेजा साहब करंट स्टूडेंट आई एम वाईजैक। यस सर, करंटली परसुइंग एमबीए, फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, आज हम सच जानेंगे आई एम वाईजैक का कैंपस बन चुका है कि नहीं बन चुका है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत सुनने में आ रहा है कि कैंपस अभी नया है, सो कॉल्ड बेबी आई एम। मैंने वीडियो के अंदर ना ये एक पात्र लिया था, इसको यहाँ पे लिखाया था और उसका थंबनेल बनाया कि बेबी मत बोलो, समझा? तो एनी विच वेज विल टॉक अबाउट दैट। बाय द वे, प्लेसमेंट्स कैसी चल रही हैं? 193 स्टूडेंट्स का इनका बैच है, 16.6 लाख रुपीज एवरेज चल रहा है और हाईएस्ट 32 लाख के आसपास है। पहली बात, ये सच है क्या भाई? बिल्कुल सर, पक्का? yes, तुम्हारी 2.65, एवरेज है 16.6। एवरेज मैंने बता दिया दो बार कंफर्मेशन, चलो ठीक है, बढ़िया। मीडियन इज 16। सुपर सुपर। एक लॉन्ग टर्म विजन है तुमारे डायरेक्टर साहब का और तुम्हारे फैकल्टीज का कि बैच साइज भी बढ़ाना है, 600 करने वाले हैं ये लोग, पता नहीं कब करेंगे वो, पर बोल तो रहे हैं। विल स्पीक अबाउट दैट। एंड आई एम बैंगलोर से इनको मेंटरशिप मिलती है, क्या कुछ करते हैं आई एम बैंगलोर वाले कि नहीं, वो भी इनसे पूछेंगे क्या इनकी हेल्प है। और ग्लोबल एक्सपोजर, सुना ये लोग कहीं दुबई या पता नहीं जापान वगैरह जाने वाले, वो सब सुनेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा बिफोर बिफोर गेट द पार्टी स्टार्टेड, मेरा चैनल वगैरह वॉज हेल्पफुल इन योर जर्नी कि नहीं? रियली रियली हेल्पफुल। ऑनेस्टली मी बींग नॉट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपके चैनल ने रियली हेल्प किया एंड इवन योर स्केड्यूल दैट यू मेड फॉर द कैड एस्पिरेंट्स, मैं उनको ही फॉलो करती थी, तो वेरी हेल्पफुल। बहुत बढ़िया। और जब तू पढ़ाई करती वो डैशबोर्ड पे वर्बल वेंसडे वर्बल मंडे वंडे सब 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 सॉर्टेड था, चलो वेरी गुड। हाँ भाई अंकित, बहुत ही हेल्पफुल, तू बड़ा हो गया यार, अब तो तू ग्रेजुएट हो गया। सर आपका चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज अ गेटवे फॉर मी। लाइक इतना बढ़िया लगता था, लाइक आई यूज्ड टू गिव माय मॉक्स और उसके बाद फ्री बैठ के रात को अगर थोड़ा टाइम है तो बैठ के कैट किंग की वीडियोस देखो, लाइक इट वाज हेल्पफुल एज वेल एज एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली लाइक आफ्टर कन्वर्टिंग लाइक वेरियस कॉलेजेस, लाइक जो सिमिलर टायर के कॉलेजेस है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज कॉलेजेस, इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। वेरी गुड। मैं थोड़े न्यूट्रल आंसर देता हूँ, मैं बोलता हूँ अपना खुद डिसीजन लो, मैं तो ऐसे ये बोलता हूँ, बट मैं जितना होता है इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स, पीपल आर लिसनिंग, डू इट ऑन द लाइक बटन और वीडियो सुनिए एंड तक, फटाफट बन जाते हैं। हाँ तनेजा, तेरे कुछ हेल्प हुआ? तूने सुना ही नहीं होगा मेरे को। नहीं सर, आई कम अक्रॉस योर चैनल आफ्टर गिविंग माय इंटरव्यूज एंड बिफोर द कॉल्स वर आउट, सो बेसिकली यू आर हेल्पिंग मी इन डिफरेंशिएटिंग। और क्या क्या मेंशन, एवरी नाइट 12 o'clock का जो आपका लाइव होता है सुनते थे। अरे ऑनेस्टली मतलब आई वुड आल्सो रेकमेंड टू एवरीबॉडी वाचिंग, सर को आप रिलीजियसली फॉलो करो एंड यू विल रियली क्रैक इट एंड गेट इनटू योर ड्रीम डे स्कूल फॉर श्योर। दैट्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच, इट मेक्स मी मोटिवेट टू वर्क मोर हार्ड। लेट्स बिगिन भाई, पहली बात तो क्या कैंपस वैंपस बना है? क्या सुना है मैंने मार्केट में, ना तुम्हारे पास कैंपस है और आधी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, क्या सीन क्या है भाई? पर पेड़ वेड़ बहुत हैं। It's actually like all good things take some time to build. So, अभी हमको एक साल हो गया है वहाँ पे कैंपस में एंड वी हैव मतलब अभी हम सेटल हो गए हैं। स्टार्टिंग में यस इट वॉज अ बिट ऑफ अ ट्रबल, बट आई डोंट थिंक द नेक्स्ट बैच विल फेस दैट ट्रबल एट ऑल बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेसेसरी फैसिलिटीज हैव बीन बिल्ड ऑलरेडी एंड या सो मतलब अब एक्स्ट्रा जो लाइब्रेरी वगैरह है और समथिंग जो मतलब नया आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी बन रहा है। दैट्स अमेजिंग। Also, sir, library and all, it is also about to be completed. Like, it is actually very near completion. तू graduate हो गया, तेरे को क्या मालूम, झूठे? Sir, daily like every week हमारे college की YouTube channel पे videos डलती construction। अरे क्या बात, ये होता है प्यार, graduate हो गया। बाद में ये बंदा अभी companies का नाम बता दे, कहाँ पे नौकरी लगी है कि नहीं? Sir, अमूल। ओह खुद ही बता रहे, गुड। तो भाई अमूल में नौकरी लगी है अभी, बहुत ही बढ़िया जगह है इंडिया के अंदर जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वो है चेन्नई। चेन्नई में बंदा ही स्वेटिंग, और उसके पहले एचयूएल के अंदर समर इंटर्नशिप। एचयूएल वाज कैंपस प्लेसमेंट? नो सर, इट वाज नॉट कैंपस। अच्छा बाहर से एचयूएल, हाँ गुड गुड गुड, वेरी गुड। और पीयूष तेरा क्या सीन है? सर बेसिकली कैंपस इज ग्रेट, आई टेल यू वन थिंग, कैंपस इज सराउंडेड बाय ऑल द माउंटेन्स एंड 10 किलोमीटर पे बीच है, सो वी आर गेटिंग बोथ। वाह वाह, और कुछ नारियल पेड़ वगैरह भी सुना है मैंने, काफी कुछ है।
जो तुम बता रहे हो आप एक बार वाइजैक विजिट करिए और आप एक बार बस हमारी सिटी के सनसेट्स देखिए और हमारे कैंपस से ही देख लीजिए बस. अरे ये ना बात ये दिस मोटिवेट्स आई इन कोईकोड एज वेल. कोईकोड का भी कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है लास्ट मंथ. ग्रेट यार ग्रेट. अच्छा यार लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर अबाउट दिस आई एम बैंगलोर थिंग. ये क्या सीन है मतलब व्हेन दीज बेबी आई एम्स इन द सो कॉल्ड. पहले तो बेबी नहीं बोलना चाहिए. मैंने ना थंबनेल में बताया तुम्हें वो लगाया था वो तो बेबी नहीं बोलना चाहिए. तो अभी हो रहा है चेंज हो रहा है कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बोलना शुरू कर रहे हैं कि नहीं. सर मैं एक यही पॉइंट आउट करना था. आई एम नॉट श्योर ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव. बट व्हाई आर वी कॉलिंग बेबी आई एम्स. सर आई एम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इट हैज अ वैल्यू. क्या बात. व्हाई आर वी कॉलिंग बेबी. यू कैन वी कैन कॉल इट फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन. कोई नया नेम दे सकते राइट. सर बेबी बोलना. आई एम विशाखापट्टनम सर. आई एम सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. एक नहीं जितने भी आई एम से सबको बोलना सही नहीं है ना. क्या बात है क्या बात है. ये मैं एंटरटेन बहुत सारा लोगों को कोच कर रहा हूँ गाइड कर रहा हूँ. शायद तुम लोग ही गाइड करोगे. बोलो ना यार जो लिखा पढ़ी में भी चल रहा है उसके अंदर जो रिपोर्टिंग जो आर्टिकल लिखवाते हैं वहाँ पे भी बेबी और न्यू लिखा होता है. यस सर मतलब बहुत सारे मतलब एमबीए के जो पेजेस वगैरह होते हैं एवरीवन इज यूजिंग बेबी आई एम्स. लाइक इनिशियली अगर हम खुद स्टार्ट करेंगे अगर थोड़ा चेंजेस लाना तो मे बी इट माइट वर्क आउट. बहुत बढ़िया. नहीं नहीं बदलेंगे उसको. मैं बदलाऊंगा तुम्हारे साथ बैठ के. आई एम स्टैंडिंग विद यू. हाँ कमिंग बैक आई एम बैंगलोर का सीन क्या. आई वाज रीडिंग इट समवेयर. अकेडमिक्स में भी हेल्प कर रहे हैं वो लोग. एडमिशन में भी हेल्प कर रहे हैं. इवैल्यूएशन में भी हेल्प कर रहे हैं. दे हैव सेट अप द एंटायर स्ट्रक्चर. लाइक अमृतसर वालों को भी हेल्प. अमृतसर वालों को आई थिंक कोई कोड कर रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और तुम लोगों को बैंगलोर कितना इनपुट होता है ऑन ग्राउंड या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल रही है यहाँ पे. सर इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च बहुत सपोर्ट है अभी भी. लाइक इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट जो हमारे स्टार्टिंग के दो बैच थे दे गॉट प्लेस्ड विद बैंगलोर ओनली. उनकी बैच के साथ हमारे बैचेस प्लेस हुए थे बट आफ्टर 3 इयर्स वो पॉलिसी स्क्रैप हो गई थी. बट इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी लाइक मोस्ट ऑफ आर विजिटिंग फैकल्टीज आर फ्रॉम बैंगलोर ओनली. लाइक पर्सनली मेरे को एडवर्टाइजिंग जिन टीचर ने पढ़ाया था एंड सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव स्टडीड फ्रॉम सम ऑफ देम वर फ्रॉम बैंगलोर. एंड ऑल्सो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप और पेपर राइटिंग वी कैन लाइक डायरेक्टली रीच आउट टू बैंगलोर टीचर्स एंड फैकल्टी. एंड ऑब्वियसली इफ दे नो दैट वी आर फ्रॉम वाइजैक तो उनका एक्स्ट्रा सपोर्ट उनकी तरफ से रहता है. तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारे फर्स्ट बैच के दो MLPs हम बोलते हैं मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम कैट किंग के अंदर इंटर्नशिप किया था. उसका नाम एक का रेशमा था और दूसरी बंदी का नाम भूल गया मैं. तो देवर फर्स्ट बैच ऑफ आई एम वाइजैक विद मी. That's amazing. And even in terms of like our incubation center, which is like IMV field, हम लोग Bangalore के footsteps को follow कर रहे हैं. How they promote, how they have women empowerment programs. So we also have like 48 startups that have women entrepreneur startups and have been incubated at our incubation. There's center. lot of focus in that. I was listening to Director Saab as well. In fact, I'm supposed to meet him as well. So 1% of I think the revenues etc. has to be invested on the student driven and the other ideas of the entrepreneurship cell. क्या IM field बोलते हो ना आप लोग उसको. IM field. Yes. Yeah. मैं देखा है काफी अच्छा उसका बढ़िया है. अच्छा अभी ये अच्छा इनकी ना NRF ranking भी 33 चल रही. We'll speak about that in some time. ये क्या global exposure का क्या scene है यार. मतलब सुना है market में खबर है कि new IMs baby IMs के अंदर और second gen third gen के अंदर बाहर जाने का कोई मौका नहीं है कोई कुछ नहीं. कितना सच है और कितना झूठ है. सर अगर मैं आपको बताऊं आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से और नॉट बट नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू जापान. यू आर अलाउड बोल दिया अब तूने बेटा तूने. आल्सो सर द बैच ऑफ 21-23 वी वेंट टू सिंगापुर एंड वी आल्सो हैड द ऑप्शन टू गो टू दुबई. वी हैड टू चूज बिटवीन बोथ प्लेसेस एंड यस लाइक एवरी ईयर देयर इज दिस कोर्स इन व्हिच देयर इज दिस कंपल्सरी इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम इन व्हिच यू हैव द ऑप्शन टू गो अब्रॉड. ओके बट स्टूडेंट एक्सचेंज अभी तक नहीं है ना. Student exchange अभी तक नहीं है. हमारे faculties ने yes they have signed a lot of MOUs अभी and अभी research के लिए किया है but you never know कुछ time में that might also like change. नहीं नहीं सुना मैंने. There are some associations happening which is going to happen even director sir के मैं तो video ही सुना उनका वो देखा. तुम्हारा वो भी video बहुत अच्छा है life at Vizag वाला. तो people are listening वो वाला video देख लेना यार. जो लोग आए तक जाने का सोच रहे हो वो आपको एक परस्पेक्टिव दे देगा कैंपस कितना बना है और कितना नहीं बना है. मुझे भी नहीं पता. मैं तो अच्छा अभी तो ये टेम्प्रेरी कैंपस के अंदर ही है. सुपर्ब यार सुपर्ब. अच्छा एक टफ क्वेश्चन है. व्हाई नॉट वाइजैग. व्हाई नॉट वाइजैग.
सर इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, लाइक इफ यू आर श्योर कि द कॉलेज यू आर ऑप्टिंग फॉर इज बेटर देन वाइजैग, देन ऑब्वियसली यू विल चूज इट ओवर वाइजैग. बट आई हैव स्टडीड इन द कॉलेज फॉर 2 years, दीज गाइज हैव स्टडीड इन द कॉलेज फॉर 1 year. लाइक जो हम सोच के आए थे, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी थॉट वी विल हैव, वी ऑब्वियसली हैव एक्सपीरियंस्ड इट बेटर. इसकी बातें मत सुनना, ये बंदा स्टड आदमी है, ये शहीद सुखदेव का है, उसके बाद इसने अमूल एचयूएल में इंटर्नशिप करी और अभी अमूल में नौकरी लेके बैठा हुआ है, इसकी बातें मत सुनना। हाँ तनेजा सच बता यार, ये अपना कैंपेन बता रहा है, मार्केटिंग कर रहा है अपने कॉलेज की। सर ऐसी बात नहीं है सर, बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आई एम आपको लगता है अगर आप खुद के बेसिस पे कि आई एम विशाखापट्टनम से ऊपर कोई कॉलेज है तो ही जाओ, वरना मैं मुझे सर पर्सनली 1 year में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। बहुत एंड जो मैं बढ़िया, सोच के कह रहा हूँ मुझे सब मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या से। नहीं सवाल तू घुमा रहे हो बेटा, सवाल है क्यों नहीं आऊं मैं। हाँ हर्षिता तेरे पास और ऑप्शंस थी कोई, ये बता। हाँ मतलब मैं वही बोलने वाली थी, आई हैड ऑल द ऑप्शंस दैट अ पर्सन विद द कॉल फ्रॉम वाइजैग माइट हैव, बट आई चोज वाइजैग बिकॉज फर्स्टली मतलब देन दिस वुड आल्सो बी अ आंसर ऑफ व्हाई व्हाई नॉट वाइजैग. बोलो मुझे, मैं बता दूं व्हाई नॉट। व्हाई नॉट आई थिंक वुड बी, अगर आपको रैंकिंग या फिर किसी भी वे में लाइक इफ यू आर गेटिंग न्यूअर जनरेशन मतलब टॉप जनरेशन आईआईएम्स देन गो फॉर दैट. बट I feel like the colleges in our level, we are actually we are the top of all the new generation IIMs. रैंकिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छी and है, एनआरएफ में तुम अच्छा कर रहे हो, yeah. रैंकिंग तुम्हारी ठीक ठाक है, रैंकिंग में कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आंसर, व्हाई नॉट व्हाई दैट। हाँ अंकित भाई तूने और कोई छोड़ा था, Yes sir, कोई मतलब IIMs छोड़े थे और? I got like baby IIMs तो सारे I was मेरे को converts थे. Also I had IIM काशीपुर, बट बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड बिकॉज ऑफ द सिटी ऑफ वाइजैग मेरे को बेटर सूटेड लगा. द काइंड ऑफ बहुत रिसर्च आई डिड, मैंने एचआर से बात की एंड वाइजैग वॉज एन अपकमिंग टाउन जिसको आंध्र गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस दे रही थी, तो वो सारे फैक्टर्स देखते हुए आई डिसाइडेड ऑफ चूजिंग वाइजैग. ब्रिलियंट यार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है देखो वाई नॉट वाई तक का आंसर मैं देता हूँ। पहली बात तो यार जो भी बोलो, सेकेंड जनरेशन बोलो थर्ड जनरेशन, कॉलेज तो नया है, ठीक है नए कॉलेज को टाइम लगता है। जो लोग ज्वाइन करने वाले हो एक्सपेक्टेशन जीरो लेके जाओगे ना बड़ा मज़ा आएगा, है ना। एक्सपेक्टेशन जो अगर तुम लेके जाओगे, मैं तो अहमदाबाद जा रहा हूँ, बेटा तू अहमदाबाद नहीं जा रहा है, और तुम्हारे नंबर अहमदाबाद के जितने नहीं थे, राइट। इट्स अ हार्ड फैक्ट बट दैट्स व्हाट इट इज, राइट, दैट्स व्हाट इट But इज। there is also one thing that when something is like new, you get to learn a lot. So even in our तू clubs फिर and बता रही society. व्हाई व्हाई जैक, मैं व्हाई नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है बढ़िया बढ़िया। तो पहली बात तो एक्सपेक्टेशन, बट बढ़िया बात ये है कि आई एम सुपर प्राउड, आई हैव मेट दीज फोर गाइज, ट्रेन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटर्न टू पीपल अंडर मी ऑल्सो, विच इज़ द फर्स्ट बैच एज वेल, एंड दे वर वन ऑफ द बेस्ट पीपल देयर। मैंने नागपुर से भी लिए थे, वाइजैग से भी लिए थे, और अमृतसर के भी लोग आए हुए थे, इनफैक्ट राइट नाउ बोधगया के भी लोग हमारे साथ अभी काम करें, विच इज़ ग्रेट। चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो प्लेसमेंट ऑन पॉइंट है, ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, स्टूडेंट एक्सचेंज भी शुरू होने वाला है, एवरेज पैकेज 16.6 लाख जा रहा है। और कुछ बढ़िया बात बताओ अभी जो कुछ नया हो रहा है कैंपस पे, या कुछ धमाका हो रहा है, एनीथिंग ऑन द टॉप ऑफ योर हेड? सर मैं एक चीज बताऊं, सर देयर इज दिस कंपटीशन लाइक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है बिटवीन द सदरन आईएम्स, उसमें 4 साउथ के आईएम्स परफॉर्म करते हैं, विच इज आई एम बैंगलोर, आई एम त्रिची, आई एम कोईकोडे एंड आई एम वाइजैग। लाइक वो एक लाइक इट इज अराउंड 2-3 डेज कॉम्पिटिशन and it is so much fun. Like we went to IIM Bangalore this time and possibly it was like one of the best experiences of our MBA life. kya baat like bahut maza aata hai sir, wahan taang khichai aur like dusre college ke sath interact karna, it was really good. tu graduate ho gaya abhi college mein hai na, teri yaadein wahi judi hui hai, hai na, bahut hi amazing. yes. this is so amazing, great. any parting thoughts to all these people who are listening to us? some of them are preparing for CAT next year, some of them are going through the entire journey, kuch inko bolna chahenge, inko inko bata do yaar meri baatein sun le, wo bhi yaar Taneja tu bata de, sunte nahi yaar ye log. और एनी पार्टिंग थॉट? बिल्कुल बिल्कुल सुननी चाहिए सर, मैंने खुद ने सुनी है, मैंने खुद के डिसीजन जो लिए हैं विशाखापट्टनम ज्वाइन करने के, वो आपके 12 PM वाले वीडियो सुन के लिए हैं। होप क्या पता मुझे जल्दी मिल जाता तो ज्यादा बेटर हो जाता। क्या बात है, ग्रेट। अंकित एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दिस पीपल हु आर लिसनिंग टू अस? जस्ट अगर तुम आई जस्ट वांट टू से लाइक इफ यू आर फॉलोइंग समवन, जस्ट मेक श्योर दैट द पर्सन हैज द काइंड ऑफ नॉलेज दैट ही इज प्रीचिंग. एंड लाइक मी पीयूष हर्षिता बिफोर द वीडियो हम यही कन्वर्स कर रहे थे, लाइक राहुल सर इज लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम,
और ऐसा बंदा लाइक हु गिव्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इवन आफ्टर यू हैव द कन्वर्ट, और उसके बाद इफ ही इज गाइडिंग यू विच कॉलेज इज बेटर, लाइक द काइंड ऑफ इतना डिटेल में द इंफॉर्मेशन राहुल सर गिव्स ना, लाइक ही गाइड्स यू सो नाइस, लाइक ही इज द राइट पर्सन टू फॉलो. अरे दैट्स सो स्वीट यार. मैंने इनको 10-10 रुपए दिए थे पर इन लोगों ने 100-100 रुपए का काम किया. हर्षिता एनी पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दिस ग्रेट पीपल? आई एम हम्बल्ड यार अंकित, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच. हाँ भाई हर्षिता एनी पार्टिंग या थॉट्स? सो आई वुड जस्ट से दैट आई वुड जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू कैट एस्पिरेंट्स जो कैट के लिए करने वाले हैं, एंड इवन फॉर पीपल हु आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ. आई मीन वी हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट हैज दैट वाईफाई हैज टू ऑफर. But even if you go for some other college, I believe that you will end up getting good placements and a good life, and you'll get your dream jobs and you'll be happy. So, और मैं आने वाला हूँ वैद्य और देखने वाला जो तुमने बातें और सपने मुझे दिखाए हैं ना 10 किलोमीटर पे बीच और पहाड़ों के बीच. I'm gonna come here. This show my the boys girls who are listening to us, don't listen to them. Okay? Do your own research. You guys can talk to them on Instagram. ये हर्षिता तो हमारी influencer भी है, तनेजा साहब भी हमारे food influencer है, अंकित तू भी influencer है क्या? तुझे क्या जरूरत है, तू अमूल में काम कर रहा है, अपना चिल लाइफ है ते तो ये फूड बनाने का दूध बना रहे. बहुत बहुत अमेजिंग यार, बहुत इन गर्ल्स. इनको बोला यार चैनल को लाइक ठोक दो यार, प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. ये इसका अंदर वाला इन्फ्लुएंसर बाहर आ रहा है. टू कैटिंग चैनल एंड आल्सो टू आई एम विशाखापट्टनम चैनल एंड आल्सो टू आई एम विशाखापट्टनम चैनल. दिस सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स. People who are joining, I am Vaisak. Drop in a comment. And if you guys want me to cover more IIMs as well, niche drop kariye. This was a wonderful conversation. And like to pakka karna. Aur comment section ke andar jo log join kar rahe ho, kuch questions hai Vaisak ke baare mein. Acha, can they reach out to you on their on your personal Instagram pages and everything? Sure. Yeah, okay. So LinkedIn. Harshita Kanjani is the name. Ankit Maurya is the name. And Piyush Taneja is the name. Thank you so much for joining in. Take care, guys. Have a good day ahead. Bye-bye. Take care.